Abandoned furnaces and villages. So in the last video, we studied that how wood steel that was produced in India was very, very strong. And it was really famous. The Tipu Sultan's swords were also made up of these wood steel. And it was so strong that it could rip off the opponent's armor. So we have studied this much so far. And now in this video, we are going to study that how the furnaces in which wood steel used to get produced was now left abandoned. तो किन कारणों से अब उन फर्नेसेस को, उन भट्टियों को जिनमें कभी वुड स्टील बनाया गया था, अब उन्हें लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, उनमें अब काम नहीं कर रहे थे. तो इसकी छोटी सी जो झलक है, एक तरीके से हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि क्योंकि ब्रिटिशर्स वगैरह अब इंडिया में आ गए थे, अब दूसरे देश से वो जो स्टील है और जो आयरन है उसे इम्पोर्ट किया जा रहा था. इसकी वजह से इंडिया में ये जो क्राफ्ट पीपल थे जो कि वुड स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही थी. तो ये हमें आइडिया लग चुका है, बट अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं. प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन. तो जो वुड स्टील है ना, वो एक बड़ी ही अलग सी टेक्निक से बनती है, जिसमें कि मतलब आप बहुत ही स्पेशलाइज्ड होने चाहिए. हर कोई वुड स्टील जो है नहीं बना सकता था. आपको एक थोड़ा सा कुछ स्किल्स, कुछ टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, ताकि आप जो आयरन ओर है मतलब उसके मदद से आप वुड स्टील को प्रोड्यूस कर सको. But iron smelting in India was extremely common till the end of 19th century. तो इंडिया में क्या था कि 19th century के एंड तक भी जो iron smelting है वो थोड़ा common था. मतलब कि यहाँ पे लोग आम तौर पे देखने को मिलता था कि लोग iron smelting कर रहे हैं, मतलब iron ore से iron को बना रहे हैं, steel बना रहे हैं. In Bihar and central India in particular, every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. तो अगर हम बात करें बिहार की और सेंट्रल इंडिया की, तो इनमें कुछ मतलब ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि इन स्टेट्स के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट्स में स्मेल्टर्स हुआ करते थे, जो कि वहाँ के लोकल डिपोजिट्स को, मतलब मान लो अपने डिस्ट्रिक्ट के ही, अपने गाँव के, अपने शहर के जो डिपोजिट्स हैं आयरन ओर के, उनको निकाल के लाते थे और फिर उनसे आयरन बनाते थे. और उन आयरन से क्या होता था कि जो डेली में यूज होने वाले टूल्स हैं उनको बनाया जाता था. द फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक. और ज़्यादातर क्या देखने मिलता था कि जो भट्टियां हैं जिनमें कि आयरन ओर से आयरन को बनाया जा रहा है, ये भट्टियाँ ज़्यादातर क्ले की बनी होती थी और सन ड्राइड ब्रिक्स की, मतलब कि जो मिट्टी को, मिट्टी से ईंट बना के और उसे धूप में ही सुखाया जाता है. तो ऐसी ब्रिक्स, ऐसी ईंटें और क्ले से इन फर्नेसेस को बनाया जाता था. द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मेन व्हाइल वुमेन वर्कड द बेलोज पंपिंग एयर दैट कैप द चारकोल बर्निंग. अब क्या होता था कि जो मेन है वो ज़्यादातर देखने मिलता था कि वो स्मेल्टिंग का काम कर रहे हैं, और औरतें क्या करती थी, वो ज़्यादातर बेलो चलाती थी. पंपिंग एयर दैट कैप चारकोल बर्निंग, वो क्या करती थी कि वो हवा देती रहती थी ताकि चारकोल जो है वो जलता रहे. आपने देखा होगा अगर आप गांव वगैरह में गए होंगे, तो जब वो चूल्हे में काम करते हैं ना, तो क्या होता है कि जैसे उपले डालते हैं और उपले क्या होता है, जलते रहते हैं, बट बीच में वो आग देना बंद कर देते हैं. तो फिर आंटियाँ क्या करती हैं, उसमें फूक मारती हैं और फिर वापस से आग जलने लगती है. तो इसी तरीके से क्या होता है, चारकोल का होता है कि वो जल तो रहा है बट वो आग देगा. वो कब देगा, जब आप उसमें थोड़ी सी हवा मारोगे, वो जलते जलते क्या होता है, ठंडा पड़ने लगता है, उसकी आग जाने लगती है, तो उसमें वापस से फूक मार के आग को जलाया जाता है. तो वुमेन जो है वो काम करती थी. बेलोज अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर. तो बेलो जो है वो वही ऐसी डिवाइस है जिससे कि एयर जो है उसे पंप किया जा सके. तो वो क्या करती थी, जो चारकोल जल रहा होता था उस पर बेलोज के मदद से हवा मारती रहती थी ताकि आग जलती रहे. तो ये काम वुमेन का होता था, और मेन जो है वो स्मेल्टिंग का काम करते थे, मतलब बाकी जो भी पूरा काम है वो मेन किया करते थे. By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. तो 19th century के end में धीरे धीरे क्या होने लग गया, अब जो ये craft था iron smelting का, वो अब कम होने लग गया, decline पे आ गया. In most villages, furnaces fell into disuse and the amount of iron produced came down. बहुत सारे villages में हमें ये देखने मिला कि जो furnaces थी, जो भट्टियाँ थी, अब वो खाली पड़ी थी, अब उनको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और पहले जिस मात्रा में iron को produce किया जाता था, अब उसमें भी कमी आ गई थी. अब बहुत ही कम मात्रा में आयरन प्रोड्यूस हो रही थी. Why was this so? अब ऐसा हो क्यों रहा था, क्या रीजन था? One reason was the new forest laws that you have read about chapter 4. When the colonial government prevented people from entering the reserved forest, how could the iron smelters find
द वुड फॉर चारकोल. अब एक रीजन इनमें से ये था जो था फॉरेस्ट लॉस का. इसके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि फॉरेस्ट लॉस की वजह से क्या हुआ कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग जो लोग हैं, फॉरेस्ट पे जो डिपेंडेंट लोग हैं, जो कि फॉरेस्ट से लकड़ियां कलेक्ट करते थे, फॉडर कलेक्ट करते थे, वहां से खाने पीने की चीजें कलेक्ट करते थे, तो अब उस पर क्या हुआ, अब उस पर रोक लगा दी गई थी फॉरेस्ट लॉस की वजह से. यहाँ तक कि जो ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रह रहे थे उन्हें भी जंगल से बाहर निकाल दिया गया था. तो ये हाल हो गया था. तो जब जंगलों में आवाजाही को ही बंद कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो फिर क्या हुआ कि जो स्मेल्टर्स थे वो अपने भट्टियों को चलाने के लिए क्या करते थे, लकड़ी लाते थे ताकि लकड़ी को जलाएं और लकड़ी वगैरह से क्या है चारकोल जल पाए, मतलब जो भट्टियां हैं वो काम करती रहे. तो जलाने के लिए क्या चाहिए थी, लकड़ियां चाहिए थी. और वो लकड़ियां कहाँ से आती थी, जंगलों से आती थी. बट फॉरेस्ट लॉस की वजह से अब वो जंगलों में जाके लकड़ियां नहीं ला सकते थे और इस वजह से धीरे धीरे करके अब उनका काम कम होने लग गया. जब भट्टियां चलेंगी ही नहीं तो फिर आयरन कैसे प्रोड्यूस होगा, राइट. तो इसलिए भट्टी को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, लकड़ी की. वेयर कुड दे गेट आयरन ओर. अब हम सिर्फ बात लकड़ियों की ही नहीं कर रहे, बात थी आयरन ओर की भी कि वो क्या करते थे, जो स्मेल्टर्स थे वो अपने लोकल एरिया से जो भी आयरन ओर का डिपोजिट रहता था वहां से वो आयरन निकाल के लाते थे. बट अब क्योंकि वो जंगलों में जाके या फिर किसी भी इलाके में अब वो इस तरीके से माइनिंग नहीं कर सकते थे, आयरन ओर को नहीं निकाल सकते थे, है ना, उनके ऊपर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी. तो आयरन ओर जो है वो नहीं ले पा रहे. जब आयरन ओर ही नहीं ला पाएंगे तो फिर उससे आयरन कैसे बनाएंगे. डिफाइंग फॉरेस्ट लॉज दे ऑफन एंटर्ड द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन दिस बेसिस फॉर सो लॉन्ग. अब कभी कभी क्या होता था कि वो फॉरेस्ट लॉज को तोड़ते हुए, उनका उल्लंघन करते हुए कभी कभी चोरी चोरी चुपके चुपके जंगलों में घुस जाते थे और लकड़ियां ला पाते थे. बट इस तरीके से वो उतनी ज्यादा मात्रा में भी लकड़ियां नहीं ला पाते थे कि उनका पूरा काम चल सके. तो इस तरीके से वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे कि अब वो किसी दिन मौका लग गया तो जंगलों में जाके लकड़ी ले आए, बाकी दिन फिर घर में ही बैठना पड़ रहा है. तो ये हाल था. मैनी गेव अप देयर क्राफ्ट एंड लुक फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. और इसीलिए थक हार कर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना जो क्राफ्ट था आयरन स्मेल्टिंग का वो छोड़ दिया और वो फिर दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल पड़े. इन सम एरियाज द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट. कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट की एक्सेस दी थी कि ठीक है आप फॉरेस्ट जा सकते हो, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले सकते हो. बट द आयरन स्मेल्टर्स हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज्ड. दिस रिड्यूस देयर इनकम. बट हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने ये तो अलाउ कर दिया था कि ठीक है आप फॉरेस्ट में जाओ, बट उनके ऊपर टैक्स लगा दिया था. आयरन स्मेल्टर्स के ऊपर उनकी भट्टियों के हिसाब से टैक्स लगा दिया था कि हर एक भट्टी के हिसाब से आपके पास जो फर्नेसेज हैं जिसमें आप आयरन बनाते हो, हर एक भट्टी के हिसाब से उन्हें काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था. तो इसलिए क्या हो रहा था, आयरन स्मेल्टर्स को क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था तो उनकी इनकम कम होने लग गई, राइट. कि मान लो वो 100 रुपये कमा रहे हैं, अब 100 में से उन्हें 30 रुपये तो टैक्स के रूप में देने पड़ रहे हैं, अब उनके पास सिर्फ 70 बचे, ठीक है, तो उनकी इनकम जो है वो कम होने लग गई. मोर ओवर बाय द लेट 19th century आयरन एंड स्टील वॉज बींग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. ये हम अपने जो पिछला सेक्शन उसमें थोड़ा सा पढ़ चुके हैं. अब क्या होने लगा था, लेट 19th century तक ब्रिटेन से आयरन एंड स्टील अब इंपोर्ट किए जाने लग गए थे इंडिया में. आयरन स्मिथ इन इंडिया बिगिन यूजिंग द इंपोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट. अब क्या हो रहा था कि इंडिया में जो आयरन स्मिथ्स हैं, जो लोहे के बर्तन वगैरह बनाते हैं, लोहे से सामान बनाते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, वो हमारे लोकल जो लोग हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई आयरन को ना यूज करते हुए वो इम्पोर्टेड आयरन एंड स्टील को यूज कर रहे थे, ठीक है. तो हमारे जो इंडिया के आयरन स्मेल्टर्स थे वो तो वैसे ही दिक्कत में थे फॉरेस्ट लॉस की वजह से. अब उनके ऊपर एक दिक्कत और आ गई थी कि जो लोग हैं वो इम्पोर्टेड चीज़ खरीद रहे थे, उनका जो आयरन स्टील है वो नहीं खरीद रहे थे, ठीक है. जो आयरन स्मिथ्स हैं अब वो क्या कर रहे थे, इम्पोर्टेड स्टील से, इम्पोर्टेड आयरन से बर्तन बना रहे थे और जो अलग अलग टूल्स वगैरह होते हैं वो उससे प्रोड्यूस कर रहे थे. दिस इनएविटेबली लोअर द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस बाय द लोकल स्मेल्टर्स. और इसकी वजह से जो लोकली आयरन स्मेल्टर्स आयरन बनाते थे उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम हो गई. बाय द अर्ली 20th century द आर्टिशंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड न्यू कॉम्पिटिशन. और इस तरीके से 20th century के आते आते जो हमारे आर्टिशंस थे जो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे उनको अब एक नए तरीके का कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा था. अब यह इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो है ये पिक्चर है सेंट्रल इंडिया के एक विलेज की जहाँ पे अगारियाज रहते थे. अगारियाज कौन है, वो कम्युनिटी है आयरन स्मेल्टर्स. तो इस विलेज में क्या था कि आयरन स्मेल्टर्स रहते थे और आयरन स्मेल्टर्स कौन से आयरन स्मेल्टर्स रहते थे, अगारियाज रहते थे, ठीक है. तो सम कम्युनिटीज लाइक अगारियाज स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग. तो कुछ
जो कम्युनिटीज थी, जैसे हमने वीवर्स की कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, है ना, इसी तरीके से आयरन स्मेल्टर्स की भी कम्युनिटीज थी, और उसमें से एक कम्युनिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है अगारियास। ये क्या है, ये ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि आयरन स्मेल्टिंग के क्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा माहिर है, नहीं ये काम बहुत अच्छे से आता है। बट लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे फेमाइंस जो हैं वो अफेक्ट करने लगे इन जगहों को। सीरीज ऑफ फेमाइंस डिवास्टेटेड द ड्राई ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो थोड़े सूखे वाले इलाके हैं, राजस्थान वगैरह वाले, मतलब इन इलाकों में क्या हुआ, सेंट्रल इंडिया के, यहाँ पे बहुत सारे फेमाइंस आए, बहुत सारी महामारी आई, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है आयरन स्मेल्टर्स की, अगारियास की, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई। इन सेंट्रल इंडिया मेनी ऑफ द अगारियास आयरन स्मेल्टर स्टॉप्ड वर्क, डिजर्टेड द विलेजेस एंड माइग्रेटेड लुकिंग फॉर सम अदर वर्क टू सर्वाइव द हार्ड टाइम। और इसीलिए सेंट्रल इंडिया में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे अगारिया आयरन स्मेल्टर्स थे जिन्होंने काम करना बंद कर दिया, अब वो आयरन स्मेल्टिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी विलेजेस जो है वो डिजर्ट कर दी, डिजर्टेड देयर विलेजेस, मतलब कि अपनी गांव जो है वो छोड़ दिए, डिजर्ट करना मतलब छोड़ देना, ठीक है, तो उन्होंने अपनी गांव जो है वो छोड़ दिया और वो दूसरी जगह जाने लग गए, माइग्रेट करने लग गए, ठीक है। और वो क्यों माइग्रेट करने लग गए, क्योंकि अब उनका वहां पे फेमाइन जो है वो अफेक्ट कर चुका है, उनके काम जो है वो नहीं चल पा रहे, इसीलिए अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए दूसरा वो काम ढूंढने लग गए, ठीक है, ताकि वो इन हार्ड टाइम को, इन मुश्किल भरे टाइम को जी सके, उनको फेस कर पाए। अ लार्ज नंबर ऑफ देम नेवर वर्क्ड देयर फर्नेसेस अगेन, बट क्या हुआ कि अब ये बहुत सारे लोग, क्योंकि अपने अपने गाँव को, अपनी भट्टियों को छोड़ के दूसरी जगह जा चुके थे, दूसरे काम उन्होंने लोगों ने जो है करने स्टार्ट कर दिए थे, तो अब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी, जिन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा, जो कि कभी अब वापस से अपनी भट्टियों में काम करना स्टार्ट नहीं करे, राइट। तो एक कारण हम ये भी कह सकते हैं, हमने यहाँ पे दो तीन कारण पढ़े कि किस तरीके से फॉरेस्ट लॉस थे जिसकी वजह से जो आयरन स्मेल्टर्स हैं वो अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ने अलाउ भी किया था फॉरेस्ट के एक्सेस, बट वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, और जो इम्पोर्टेड आयरन एंड स्टील आ रहा था, तो इस वजह से भी जो आयरन एंड स्मेल्टिंग का काम है, आयरन एंड स्टील स्मेल्टिंग का, वो खराब हो गया, मतलब हमारे जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे थे। और एक चौथा कारण ये भी था कि कुछ जगह पे फेमाइन वगैरह आ गया था, जिस वजह से लोगों ने अपने गांव छोड़ दिए, अपने घर छोड़ दिए, अपनी भट्टियां छोड़ दी, और वापस से इन भट्टियों में काम स्टार्ट नहीं किया।